दो दिन का जो कार्यक्रम होंगे, आप देखिए ग्रीस से भी आए हैं प्रतिनिधि, तो ग्रीस तो शिप ओनरशिप में दुनिया का पहला स्थान में है। सबसे ज्यादा अगर जहाज किसी का पास है, अगर टानेज के हिसाब से देखिए तो सबसे टॉप में है वो, ग्रीस भी आई है, उनके मंत्री भी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो भी प्रमुख नेशन है जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित की है, उनकी पार्टिसिपेशन यहां हो। इसलिए कोलैबोरेटिव म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप के आधारित हम अपने अलग अलग वर्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए हमने तय की है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो दिन का डायलॉग होंगे, इस डायलॉग के जरिए नई नई सोच, नई नई चिंता अलग अलग देश की तरफ से व्यक्त किया जाएगा और नई नई योजना कौन सा देश की क्या रचना की है। और ओशन का मतलब है हमारे सागर में जो संपदा संभावना शक्ति बसा हुआ है, उनको हम कैसे, जैसे हमारे सागर मंथन, इसका इतिहास तो आपको जानते हैं हमारे, तो इससे हम कैसे शक्ति हासिल करें, अधिक से अधिक शक्ति कैसे हासिल करें, इसका उपाय ढूंढने के लिए ये दो दिन का कार्यक्रम रचना।